उदास थे, इसलिए यीशु ने अपना दिव्य रूप दिखलाते हैं ताकि उनका विश्वास हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा। 6 दिन बाद यीशु ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई योहान को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने यीशु से कहा, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई और उन्हें यीशु के सिवा और कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज चालीसा का दूसरा इतवार, और चालीसा एक ऐसा समय होता है जब प्रभु हमें अपनी ओर जाने के लिए बुलाता है, पश्चाताप करके, प्रार्थना करके हमारी जिंदगी का थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। और इसलिए चालीसा में हम महिमा का गीत नहीं गाते हैं, हालेलुया नहीं गाते हैं, ये तैयारी के लिए कि जब पास्टर आएगा तब हम पूरे उत्साह के इंतजार में रहेंगे
और प्रभु की पास्ता का पुनर्जीवित का ग्रहण है। आज यह दक्षिणी विकारियत का कैथलिक सभा का सम्मेलन है और आज की इतवार को हमें जो चालीसा के दूसरे इतवार को जो पाठ हम पढ़े हैं उसमें बड़ी शिक्षा मिलती है। देखिए पहला पाठ तो आदि पुरुष पुरुष हमारा बाबा अब्राहम के बारे में बताता है। उसको प्रभु बुलाता है, वचन देता है, आसमान के तारे देखो उनको कोई गिन नहीं सकता है, उतना ही वंश आपको कि आपसे बहुत राष्ट्र आ जाएंगे जिन पे मेरा आशीर्वाद होगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बुलाता है, प्रभु का सुसमाचार अपनाओ और प्रभु का सुसमाचार दूसरों को देखो और प्रभु हमारे साथ रहे। और हम आज यहां पहाड़ियों में है, सुसमाचार पहाड़ के बारे में है। प्रभु अपने शिष्यों को पहाड़ पे ले जाता है, चुने हुए शिष्यों को, और वहां अपना ही चेहरा का तन का मुखमंडल हो जाता है, रूपांतर हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। इतना चमत्कार हो जाता है कि पेत्रुस जो सदा पहला बोलता था, प्रभु को बोलता है हम तीन तंबू बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। इतनी इच्छा थी प्रभु के साथ ही रहने। लेकिन प्रभु उनको ये भी बोलता है, ये जो रूपांतर हुआ है, मुखमंडल हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कष्ट और मरण के ओर बढ़ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके कोई मेरे बाबा भी होगा, कोई मेरा भाई होगा, कोई भैया होगा, आप लोगों का विशेष करके आज आप इस पहाड़ पे बुलाए हैं अपनी वाणी सुनने के लिए, अपनी जो दिशा देते हैं वो देखने के लिए। तो कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए किस तरह काम, पहले पाठ में बोलता है आसमान के ऊपर देखिए, अभी नहीं रात को, जितने तारे होते हैं उतने आशीर्वाद प्रभु के हम पे हमारे ऊपर, जितना आशीष भरपूर प्रभु हम पे भेज सकते हैं वो भेज देगा। लेकिन अब्राहम जो सिखाता है वो ही हम मन में रखेंगे। तो क्या बोलता है पाठ, प्रभु पे अब्राहम ने विश्वास किया। आप लोगों के दिल में विश्वास होगा, आप लोगों के दिल में प्रभु का प्रेम होगा, तब जैसे जितने तारे आसमान में है वैसी तरह आप लोगों के परिवारों पे प्रभु की आशीष बरसाते हैं। लेकिन ये आशीष न सिर्फ हमारे लिए है, जैसे संत पौलुस बोलता है जितना भी सुसमाचार हम दिल में लेंगे वो सुसमाचार दूसरों को देना है। वो आशीष जो हमें मिलता है हमारे परिवार के लिए जरूर है, लेकिन हमारे परिवारों से दूसरे परिवारों को भी आशीष जाना चाहिए। ये सुसमाचार, ये प्रभु की भलाई दूसरों को जाना चाहिए।
जब हम ये करने लगेंगे तब हमारा भी रूपांतर होगा, हमारा भी बदलाव होगा, हम भी बदल के पेत्रुस जैसा प्रभु को बोल सकेंगे, आपके साथ रहने सकते चाहते हैं, तंबू बनाएंगे, आपके तंबू में हम रहेंगे। देखिए तीन शिष्य, लेकिन पेत्रुस नहीं बोलता है हम हमारे लिए तंबू बनाएंगे, प्रभु के लिए तंबू बनाएंगे, उसके साथ एलिया और मूसा को, मतलब ये भी वो ही तंबू में रहना चाहते थे प्रभु के तंबू में। और प्रभु के तंबू में रहना हमारी गुलाह, प्रभु के प्यार में रहना हमारी गुलाह है, लेकिन तब ही होगा जब हमारे दिल में विश्वास है, तब ही होगा जब हमारे दिल में प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्यार है। कितने भी सम्मेलन कीजिए मेरे भाइयों, दिल में बदलाव नहीं होगा, मन में बदलाव नहीं होगा, हमारे जीवन बदलाव नहीं होगी, सम्मेलन कोई बदलाव नहीं करेगा। बदलाव होना है, यहां होना है, तभी पूरे समाज में होगा। बदलाव होना है, यहां होना है, तभी हम समाज बदल सकेंगे। तो अपने आप से शुरू करेंगे। और चालीसा का मतलब यह है प्रभु हमें हर एक जन को बुलाता है, अपना बदलाव करो, दूसरों का बदलाव नहीं देखना, अपना बदलाव करो, अपना रूपांतर होने दो, अपना मुखमंडल होने दो, तभी समाज बदलेगा, कलीसिया बदलेगी, हम सब बदलेंगे। यही कृपा हम प्रभु से इस मिसा बलिदान में प्राप्त करें। Bye.
Thank you.
स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। पूरा मिस्सा बैठ के कर दिया है, अभी आशीष के लिए कम से कम खड़े हो जाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, विशेष आशीष के लिए, इस चालीसा का विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए और हर एक आशीष के बाद आमेन बोलिए। प्रभु हम लोगों के साथ हो और आपके साथ। दयालु पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारे सम्मुख निस्वार्थ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। वह आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे कि आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा द्वारा उसके अद्भुत वरदानों के बागी बन जाए। आप लोग विश्वास करते हैं कि कृष्ण ने अपनी मृत्यु द्वारा अनंत मृत्यु पर विजय पाई है, वही आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे। कृष्ण हमारी भलाई के लिए दीनहीन बन गए, उन्हीं के पच्चीनों पर चलकर आप लोग भी उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हो गया। ईश्वर थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक फोटो ले लेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक ब्रदर और एक ब्रदर आप ऊपर आइए।